इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है गोंडा से। आपको बता दें कि गोंडा जनपद से जहां पर नंदिनी नगर महाविद्यालय में आज से खेल प्रतियोगिता का करेंगे उद्घाटन। देर शाम को दिल्ली से गोंडा पहुंचे भाजपा कैसरगंज सांसद, यहां पर मीडिया का जमावड़ा, अपने ऊपर लगे आरोप का देंगे आज सफाई। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष भाजपा कैसरगंज सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह आज गोंडा नंदिनी नगर महाविद्यालय में आज 12 बजे करेंगे प्रेस वार्ता। वहीं 30 दिन भी जंतर मंतर 30 दिन भी जंतर मंतर दिल्ली में पहलवानों का धरना जारी। जी सर, परिचय और क्या नाम है आपका, और आपके समय में कैसी कुश्ती होती थी, और आज जो कैसरगंज सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर, कुश्ती संघ के अध्यक्ष के ऊपर एक आरोप लग रहा है, इस पर आपकी क्या राय है, पूरी जानकारी दीजिए। मैं रुद्र कुमार तिवारी प्रदेश स्तर का खिलाड़ी रह चुका हूँ कुश्ती का। मेरे समय में कुश्ती के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी, ना उनको सरकारी नौकरी में लिया जाता था, ना उनको कोई खर्चा मिलता था। लेकिन जब से माननीय सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह जी को नेतृत्व मिला है कुश्ती का, देश के अध्यक्ष हुए कुश्ती संघ के, तब से नेताजी ने वो काम करके दिखा दिया है कि पूरे भारत से पहलवान अब निकलने लगे हैं, पूरे भारत के लोग ओलंपिक में खेल सकते हैं। ये जो हरियाणवी लोग थे या दिल्ली वाले थे, ये लोग अपनी मठाधीशी चाहते हैं और बिना कोई परीक्षा दिए ये ओलंपिक में सीधे डायरेक्ट जाना चाहते हैं। ऐसा करने पर अन्य पहलवानों के साथ नाइंसाफी हो जाएगी। सभी लोग जो अपनी योग्यता हासिल करें वो ओलंपिक में जाएं, नेताजी ने ऐसी व्यवस्था दी है। और नेताजी के ऊपर आज तक कोई कीचड़ नहीं उछला, ये आज क्यों उछल रहा है? जिन्होंने देश के कुश्ती को फर्श से अर्श पर पहुंचा दिया है, तमाम मेडल आने लगे हैं ओलंपिक से, तो हमें तो लगता है कि ये सब राजनैतिक मामला है, निराधार है। सांसद जी बिल्कुल पाक साफ हैं और हम उनके समर्थन में खड़े हैं। आज तक सांसद के ऊपर ऐसा आरोप नहीं लगा, फिर एकाएक आरोप लगना, जंतर मंतर पर धरना देना, तो ऐसे में क्या मानते हैं, कहीं ना कहीं क्या है आपके नजरिए से? देखिए, इसमें तो हमें पूरी तरीके से राजनैतिक दृष्टि से कार्य किया जा रहा है, वही दिखाई दे रहा है। लेकिन सांसद जी इनसे निपट कर बाइज्जत फिर देश का नेतृत्व करेंगे कुश्ती संघ का, और कुश्ती संघ आगे बढ़ेगी। ये जांच का विषय है और एक राजनैतिक साजिश भी हो सकती है, इसमें बहुत बड़ी साजिश है। इस साजिश की जांच होनी चाहिए और दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। जिस तरीके से नेताजी पर आरोप लगा, ये बहुत बड़ा आरोप है। पूरा गोंडा दुखी है, कल से जिस तरीके से पूरा मंडल, पूरा प्रदेश, पूरा देश दुखी है। इतने बड़े हमारे नेता पर इस तरीके से आरोप, ये बहुत गलत आरोप है और इसका खंडन हम सब करते हैं। नेताजी के साथ गोंडा की जनता हो या देवीपाटन मंडल की जनता हो, प्रदेश की जनता, देश की जनता नेताजी के साथ है। हम सभी ये चाहते हैं कि इसकी अच्छी से जांच हो और इसका दूध का दूध पानी का पानी। और हमारे गोंडा में जिस तरीके से नेताजी ने कुश्ती को एक अलग पहचान दी है, जिस तरीके से नंदिनी नगर में पूरे देश के और प्रदेश के और अंतर्राष्ट्रीय विदेशों से पहलवान लड़ने आते हैं और हम सब यहाँ से कुश्ती देखने जाते हैं, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा विषय है। और नेताजी ने लोगों की सेवा की है, इतने बड़े पद पर होते हुए हफ्ते में 3 दिन 4 दिन अपने मकान पर, अपने घर पर, अपने कार्यालय पर जिस तरीके से लोगों की समस्याएं सुनते हैं, हम सब तो सामाजिक संगठन के लोग हैं, जिस तरीके से समाज की समस्याएं हैं जो हम सब समाधान कर पाते हैं करते हैं, उसके बाद अगर हमको जरूरत पड़ती है तो नेताजी के पास जाते हैं और उसका संपूर्ण समाधान, जिस तरीके से गरीब असहाय शोषित पीड़ित वंचित की मदद नेताजी के द्वारा होती है। जैसे कि नेताजी ने खंडन किया है कि जितने भी धरने पर बैठे हैं ये लोग, जितने पहलवान, वो कह रहे हैं कि ये नेशनल नहीं खेलना चाहते, सीधे ओलंपिक खेलना चाहते, इसमें कितनी सत्यता है, क्या लगता? बिल्कुल इनकी उम्र ज्यादा भी हो गई है। ये चाहते जो युवा पहलवान है जो यहाँ मेहनत करते हैं, जो यहाँ नेशनल खेलते हैं, उनको वो चाहते हैं कि हमको यहाँ खेलना ना पड़े, हम डायरेक्ट जाके ओलंपिक खेलें। तो युवा है, युवाओं को मौका मिलना चाहिए, हर खेल में मौका मिलना चाहिए। और ये लोग जो पुराने पहलवान हैं, अब ये जानते हैं कि हम मेडल नहीं ला सकते तो सोचते हैं किसी तरीके से हम ओलंपिक में बने रहे, हमारा नाम बना रहे, तो इसी नाम के लिए वो ये इस तरीके से कार्य कर रहे हैं।